तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 11th में पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का है, वो क्या है, सेट्स। ये जो चैप्टर है बिल्कुल आप लोग करने आए हैं, तो समझते हैं सेट है क्या। ठीक है, सेट है, सेट्स। सेट क्या है बेसिकली? सेट एक तरीके से वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है कलेक्शन है? मतलब कुछ भी कलेक्शन करें, किसका कलेक्शन होता है, किसी ऑब्जेक्ट का। क्लियर है? तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शन में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। अच्छा अभी क्या आता है, जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि जो ऑब्जेक्ट है, एक सेट हो गया, कई सारे ऑब्जेक्ट के जो कलेक्शन के, उसे क्या कहते हैं, सेट। और जो ऑब्जेक्ट है सेट के, उन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। इसमें वर्ड आता है, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होते हैं, किसके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, मेंबर कहते हैं, मेंबर ऑफ सेट। क्लियर है? मेंबर ऑफ सेट कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, एलिमेंट। ठीक अच्छा, जो एसेट होते हैं, कौन सा एसेट, जो एसेट हैं, ठीक, उन्हें डिनोट कैसे करते हैं बेसिकली, है ना? इसको डिनोट कैसे करते, जनरली डिनोटेड बाय, कैसे, कैपिटल लेटर से। कैसे? कैपिटल लेटर से। ठीक, जो एसेट है, ठीक, उसे कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। ठीक, और जो उसके एलिमेंट हो, जैसे कोई सेट है, उसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। और जो उसके एलिमेंट हो, उसे कैसे लिखेंगे, एलिमेंट को डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई स्मॉल। क्लियर? जैसे मान लो एग्जाम्पल देते हैं, स्मॉल लेटर। ठीक, जैसे मान लो, तो एग्जाम्पल मान लेते हैं, क्या हो गया कि, अच्छा नेचुरल नंबर पता क्या होता है, सेट ऑफ, अगर बात करते हैं किसका एग्जाम्पल लेते हैं, किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर की बात करते हैं अगर मान लो। ठीक, तो नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं बता दो, पता है, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या होते हैं नेचुरल नंबर, ऐसे है कि नहीं, ऐसे कई सारे होंगे। तो जो पूरा सेट है नेचुरल नंबर का, उसे कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर में, जिससे मान लो कैपिटल ए बोल दिए हैं। ठीक, क्या हो गया, कैपिटल ए। ठीक, अब मान लो कि कोई एक्स के एलिमेंट है किसी सेट ए का, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि नेचुरल नंबर का सेट क्या है, 1, 2, 3, 4 है। तो अगर इसमें डिनोट करना है, ये क्या है, ये कैपिटल ए क्या है, ये एक तरीके से सेट है। और जो इसके ये क्या है, इसे कहते हैं एलिमेंट। ठीक, यहाँ तो नंबर है, लेकिन इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, स्मॉल लेटर में। कैसे होगा, जैसे मान लो कि कोई एक्स एक एलिमेंट है, ठीक, यहाँ पे मान लो कि एलिमेंट क्या है, एक्स है, और सेट क्या है, ए। ठीक, तो इसे लिखेंगे कैसे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे एक्स बिलोंग टू, ये सिंबल दिख रहा है, सिंबल बिलोंग टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्मॉल एक्स लिखा हुआ है, ये क्या है, ये क्या एक है, एलिमेंट है। और ए क्या है, ये एसेट सेट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मींस क्या हुआ, कि एक्स बिलोंग्स टू ए,
क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए, ऐसे से पढ़ते हैं, क्लियर है। जहां पे जो स्मॉल एक्स क्या है, ये एक एलिमेंट है, और कैपिटल ए क्या है, सेट है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स बिलोंग टू ए। अगर मान लो कि एक्स इसका बिलोंग करता है ए से, ठीक, तो अगर मान लो इसको ऐसे लिख दें एक्स, ये बिलोंग का सिंबल हो गया है, ये क्या है, ए हो गया है, ठीक। अगर इसको हम बोल दें कि एक्स जो है ए का एलिमेंट नहीं है, सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो उसे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे कट मार देते हैं। कैसे कट रहता है, ऐसा, क्लियर है। तो जो पहला मतलब कि अच्छा जो है उसका मतलब कि एक्स बिलोंग टू ए, तो जो दूसरा वाला है उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स क्या हो जाएगा, कि जो एक्स है ठीक वो डज नॉट बिलोंग्स टू नॉट ए। यहाँ कैपिटल ए क्या है, सेट ए है, और स्मॉल एक्स क्या है, एलिमेंट है, क्लियर है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये बात समझ आई कि नहीं, बोलो ये चीज। ये किसी एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर उसका एलिमेंट है तो इसको, नहीं होगा तो इसको ऐसे करेंगे, बोलो। यहाँ तो कोई दिक्कत है? क्लियर है। यस ओके, अभी क्या देखते हैं, ठीक है, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो, ठीक है, क्या एक एग्जांपल क्या है, ठीक, कि मान लो एक सेट ए है, ए इक्वल टू क्या है, 1, 2, 5, 7, इसमें कई सारे हैं, ठीक। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ठीक, देर हम क्या बोल सकते हैं, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि टू बिलोंग किस में कर रहा है, टू बिलोंग टू ए, मतलब कि सेट ए में 2 आ रहा है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। एंड ये भी कह सकते हैं यस सर, कि 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, ये बात समझे कि नहीं, क्लियर है। यहाँ कोई दिक्कत? नो सर, ओके, तो सेट क्या है, समझ में आ गया, सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, और उसके जो जो किसी ऑब्जेक्ट के जो एलिमेंट है उसे क्या कहते हैं, मेंबर कहते हैं, या फिर एलिमेंट कहते हैं, राइट। डिनोट कैसे करते हैं सेट को, कैपिटल से, और उसको एलिमेंट कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से, ठीक। वो बिलोंग कैसे करता हमने वो बता दिया, और नहीं बिलोंग करेगा तो क्यों बता दिया, क्लियर है। अब क्या आता है कि जो सेट है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे करेंगे, राइट, रिप्रेजेंट ऑफ सेट्स। आप लोग उसको नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, यस सर, नोट डाउन कर चलिए। हाँ, नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक। तो रिप्रेजेंट करने के कई सारे प्रोसेस हैं। तो पहला क्या आता है, रोस्टर या फिर टेबुलर, क्या आता है, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, क्लियर। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं एसेट के, ठीक, उन्हें लिस्ट करते हैं, और उनको सेपरेट कैसे करते हैं, बाय कॉमा से। क्या होता है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एसेट, उनको लिस्ट कैसे करते हैं, और लिस्टेड उनको क्या लिस्ट कर देते हैं, ठीक ठीक और दे आर सेपरेटेड बाई कैसे करते हैं, कॉमास, क्लियर। और इनक्लोज कैसे करते हैं, इसे इनक्लोज करेंगे विद इन ब्रैकेट, कैसे करेंगे,
विद इन ब्रैकेट, ठीक, क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, कैसे ब्रैकेट, ये ऐसा मिडिल ब्रैकेट, क्लियर है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक, कि एक क्या एग्जांपल है, किस सेट है, किसका है, सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स, ठीक, एक वर्ड है, वर्ड क्या है, मैथमेटिक्स, मान लो क्या वर्ड है, मैथमेटिक्स, एम ए, ठीक, टी एच ई एम ए टी आई सी एस, ये सारे लेटर है, ठीक। तो इसको हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रोस्टर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, तो पहला क्या बताया कि उसे लिस्ट करना है, क्या करना है, लिस्ट करना है। दूसरा क्या बताया कि सेपरेट कैसे करना है, कॉम में करना है। तीसरा क्या बताया गया कि इनको इंक्लूज कैसे करना है, ब्रैकेट का यूज करना है, क्लियर है। तो मतलब क्या हो, कैसे बन जाएगा ये, देखो कैसे बनेगा। पहले तो क्या लगेंगे, इनक्लोज कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक, ये हो गया। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, देखो पहला वाला लेटर क्या है, एम, एलिमेंट एम हो गया, राइट। अब दूसरा क्या है, ए है, ठीक, तो ए हम लोगों ने लिखा, क्लियर है। एम के बाद ए आ गया, ए के बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, एच, ठीक, एच के बाद क्या है, ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई, फिर टी के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद फिर एम आ रहा है, राइट। तो एम तो हम लोगों ने पहले ही लिख लिया, नहीं बोलो, बोलो एम को लिखा ही नहीं लिखा, बोलो, ये जो ई के बाद एम आ रहा है इसको तो हमने पहले ही लिख लिया ना, तो इसे नहीं करेंगे क्योंकि तो सेट के पहले से पार्ट है, क्लियर है। फिर ए भी हो चुका, टी भी हो चुका है, अब क्या आता है, आई, फिर आएगा सी, और फिर क्या आएगा, एस, बोलो ये चीज समझ में कि नहीं, बोलो कि रोस्टर टेबल फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिक्स को ऐसे लिखेंगे, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्या फॉर्म होता है, दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट है सेट के उसे कैसे प्रोसेस करते हैं, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, कैसे, ऑल द ऑब्जेक्ट, ऑफ अ सेट कैसे करेंगे, पॉसेस, हाँ क्या आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है, हेलो, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, अभी आवाज आ रही है, सर, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हाँ अच्छा, ये वाला क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो, रोस्टर टेबल फॉर्म, इसमें क्या है, सबसे उनको लिस्ट करेंगे, सेपरेट कैसे करते हैं, कॉमा से, और इसे इंक्लोज कैसे करेंगे, ब्रैकेट्स की तरह, क्लियर है। जैसे हमने सेट ऑफ वर्ड किसका लिखा है, मैथमेटिक्स का लिखा, क्लियर है, हाँ, बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है, ओके, मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम कैसे पॉज करते हैं, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी के द्वारा, ठीक है, और कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक, विच इज नॉट पॉसेस्ड बाई एनी एलिमेंट, बाई एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। मतलब क्या हुआ, देखो एग्जाम्पल मान लो कि कहा गया है, क्या कहा गया एग्जाम्पल में, मान लो कि सेट ऑफ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट में से कहा गया है, क्या सेट है, सेट ऑफ
वोवल्स कहा गया है, किसमें? इन इंग्लिश के अल्फाबेट में, अल्फाबेट में कहा गया है, ठीक। तो वो क्या होगा, वो क्या होगा? इसमें कैसे लिखते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि जो एलिमेंट है वो क्या है, एक एक्स है। क्या है? एक्स है। और जहां पे एक्स क्या है, एक्स इज वोवेल। क्या है? वोवेल है इन इंग्लिश अल्फाबेट में। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो ये चीज। दो तरीके हो गए हैं, एक तो रेस्टोरेटिव फॉर्म का, तो टेबलेट फॉर्म में क्या करना है, उनको लिस्ट करना है, सेपरेट कर देना है कॉमा से, और फिर ब्रैकेट को इनक्लोज कर देना है, क्लियर है। लेकिन सेलिब्रेटिव फॉर्म में क्या होता है कि हमें क्या देखना है कि सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी देखनी चाहिए, ठीक। और वो प्रॉपर्टी जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसके बाहर नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे क्या बताया गया है, सेट ऑफ वॉवल्स बताया गया है, ठीक, किसमें? इंग्लिश अल्फाबेट में। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जो उस सेट का ठीक मेंबर होगा, जो एलिमेंट होगा, उससे कैसे लिखते हैं, पहले एक्स लिख देते, पहले वो लिख देते हैं, क्लियर है। और वो लिखने के बाद क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे, दिख रहा है ये कॉलन। और कॉलन के बाद जो एक्स है उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे, वो कैसा सेट है वो, कि एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट में, है कि नहीं। ये हो गया, ये किसमें फॉर्म में हो गया, सेट बिल्ड फॉर्म में। अगर इसको किस फॉर्म में लिखना जाए, ठीक, अगर इसे लिखा जाए किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, ठीक। तो कैसे लिखेंगे इसको, टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना, तो कैसे लिखेंगे, कोई सेट है एक ए मान लो, ये हो गया, और इसके अंदर एलिमेंट क्या हो गया, इसको ए नाम नाम ना दो, कुछ और नाम दो, एक्स मान लो, पी मान लो, पी क्या एक सेट है, ठीक। इसके अंदर क्या लिख दो, ए लिख दो, आई लिख दो, ओ लिख दो, ए ए लिख दो, है कि नहीं। बोलो, अब जो दूसरा सेट है वो क्या बता रहा है, ये इंग्लिश के अल्फाबेट है कि नहीं, बोलो, वॉवल बोलो, ये क्या है, इंग्लिश के वॉवल। अगर कहा गया लिखना है, अगर कहा जाए कि इस फॉर्म में लिखना, टेबलेट फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और कहा जाए कि इससे बिल्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। चित्रांश क्लियर है, चित्रांश? सर टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट नहीं लिखते मतलब? टेबलेट फॉर्म में एलिमेंट लिखते ना, देखो ना, नहीं, वो स्मॉल में लिखा जाता है ना वो तो। देखो स्मॉल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, समझो बात को, लेकिन इसके एलिमेंट तो कैपिटल में हो सकते हैं ना, नहीं हो सकते हैं, समझो बात को। जब भी हमें एलिमेंट को दर्शाना होगा कि उसे लिखें कैसे, तो वो बताएंगे कि वो इस फॉर्म फॉर्म में होगा, जैसे क्या दिख रहा है, एक्स क्या है बता दो, यहाँ पे एलिमेंट है कि नहीं, बोलो, ये बोलो। यस तो ये जो एक्स है ये एक एलिमेंट है, तो इसको हम डिनोट कैसे किया है, स्मॉल। स्मॉल लेटर में, ठीक। और इसको अगर समझा जाए, तो अगर इस सेट को नाम पी दिया जाए, तो इससे क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू, बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट के अंदर अंदर मतलब कि जो टेप जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो तो कैपिटल में लिख सकते हो ना, नहीं समझे, क्लियर। यस सर। एलिमेंट तो उसके अंदर कुछ भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन अगर उसको रिप्रेजेंट करना हो कि वो क्या चीज है, ठीक, तो हम उसे स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे, क्लियर है। यस जैसे यहाँ देखो नीचे, जो अगर सिर्फ बड़े फॉर्म की बात की जाए, तो यहाँ जो पी लिखा है वो क्या बता रहा है, कैपिटल में लिखा है, राइट। तो पी क्या बता रहा है यहाँ पे, सेट, और स्मॉल एक्स क्या है, एलिमेंट है, क्लियर एलिमेंट है। तो ये क्या है, एलिमेंट, और पी क्या है, ये यहाँ पे सेट। सेट है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस तो ये टाइप समझ क्लियर है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को। सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्या आता है,
ठीक, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट कौन कौन से हैं, क्या है? डिफरेंट्स टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक। तो सेट जो है बेसिकली वो कई टाइप के होते हैं, ओके। हम वन बाय वन करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो सेट आता है, ठीक, वो क्या आता है? एम्प्टी सेट। क्या आता है? एम्प्टी सेट। क्या नाम है? EMPTY, एम्प्टी सेट। अच्छा, नाम से क्या लग रहा है बोलो? से एम्प्टी बटी मतलब क्या होता है बोलो? खाली। खाली। क्लियर है? यस ठीक, खाली सेट क्या होता है, चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक, खाली इसमें क्या होता है? ठीक, मतलब क्या हो कि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, क्या होगा इसमें? डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, डज नॉट हैव एनी एलिमेंट। क्लियर? अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? कैसे डिनोट? डिनोटेड बाई कैसे करते हैं? फाई से। क्या बोलते हैं? फाई ये, या तो फिर कैसे, ये ब्रैकेट लगाओ उसमें खाली, उसमें कोई नहीं। क्लियर है? ठीक है। और इन्हें क्या अच्छा कहते हैं? इसे कहते क्या है? इन्हें ऑल्सो कॉल्ड वॉइस है, बहुत ज्यादा आ रही है। इसे क्या कहते हैं? नल कहते हैं। क्या कहते हैं? नल कहते हैं, या फिर वॉइड सेट। नल सेट या तो वॉइड सेट। तो कभी कहा जाए एम्प्टी सेट है, या फिर नल सेट है, या फिर वॉइड सेट है। क्लियर है? सब एक ही है। रिप्रिंट कैसे करते हैं ये बता दिए। क्लियर है कि नहीं? क्लियर बोलो ये चीज, यहाँ कोई दिक्कत? नो सर। ये क्या हो गया है? एम्प्टी सेट हो गया है। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है? ये पहला हो गया एम्प्टी सेट, ठीक। दूसरा क्या आता है? इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलते हैं? क्या है? इक्वी वैलेंट सेट्स। इक्वल मतलब क्या होता है बोलो? बराबर। इक्वल सेट क्या कहते हैं? बराबर, है कि नहीं? तो बराबर सेट कैसे होते हैं? ठीक, कि दो सेट को हम इक्वल का बोलेंगे जब उसमें क्या हो, सेम एलिमेंट नंबर ऑफ, बराबर हो। सेम नंबर हो, देखो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसे कैसे कैसे बोल सकते हैं? बराबर क्या हो? एलिमेंट हो। ठीक, मतलब क्या हुआ, चलो देखते हैं। कि टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्या होते हैं, तो पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट कब कहते हैं। ठीक, इफ दे हैव सेम नंबर होने चाहिए उनके। क्या होना चाहिए? ध्यान रखना, अभी आपने क्या बोला कि इक्वल, इक्वल ना हो। इक्वल मतलब क्या हुआ? एग्जैक्ट नो ना हो, उनके नंबर बराबर होने चाहिए। क्लियर है? क्या हो? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ठीक, ठीक।
ठीक है, हो गया इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्या आता है, इक्वल सेट। क्या आता है, इक्वल सेट। थर्ड क्या है, इक्वल सेट्स। इसमें क्या होता है, इसमें आता है कि एलिमेंट सेम हो। क्लियर, इसमें क्या आएगा, सेम एलिमेंट हो। क्लियर, तो ये क्या हो गया, टू सेट्स आर सेट टू बी क्या, इक्वल, कब, इफ दे हैव, दे हैव क्या हो, सेम एलिमेंट। क्लियर है कि नहीं, बोलो। जो पहले बता रहे थे कि सेम एलिमेंट हो, वो किसका है, वो होता है इक्वल सेट का। क्या हो, सेम एलिमेंट हो। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, फाइनाइट सेट। क्या आता है, फाइनाइट सेट। चौथा क्या है, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक, फाइनाइट में क्या होता है कि जिसको आप क्या कर सको, गिन सको। क्या हो, इसको आप क्या कर सको, गिन सकते हैं। क्लियर, मतलब क्या हो, इसमें क्या होगा, इट कंटेन क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक। जैसे मान लीजिए कहा गया है, ठीक, कि वो नंबर बताओ जो टू से डिवाइड हो, ठीक। तो टू से डिवाइड होने बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, टू है, फोर है, सिक्स है, एट, कोई एंड नहीं है, ठीक। लेकिन अगर कहा जाए, ठीक, कि टू से ऐसे नंबर बताओ जो टू से डिवाइड हो लेकिन वो क्या हो, लेस देन टेन हो, तो लेस देन टेन में लिमिटेड हो जाएंगे, टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, बस यही तो होंगे, नहीं होंगे और नहीं होंगे, राइट। तो जिनमें फिक्स नंबर हैं उन्हें क्या कहते हैं, फाइनाइट, ठीक। और जिसमें क्या है, जिसमें हम गिन ना सके बहुत ज्यादा, उन्हें क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। ये क्या होते हैं, ठीक, इतना कि इसको गिन ही ना सके, कितना हो, इतना कि क्या कर सके, गिन ना सके, ठीक। मतलब क्या हुआ, इट कंटेन क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर। क्या है, इनफाइनाइट नंबर हो उनमें, ठीक, ऑफ एलिमेंट्स हो। क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है, सिंगल टोन सेट। क्या आता है, सिंगल टोन। नाम से क्या लग रहा है, सिंगल है, कोई क्या है, सिंगल टोन सेट। ये क्या होता है, ठीक, इसमें क्या हो, सिर्फ एक हो। क्या हो, सिर्फ एक हो, ठीक। मतलब क्या हो, इसमें क्या होंगे, इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। क्या हो, इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। क्लियर, तो ये सिक्स टाइप के हो गए, दिख रहे। पहला क्या है, इम्प्लिसिट, जिसमें कोई भी ना हो। दूसरा क्या है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या हुआ, कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, मतलब कि अगर पहले सेट पे पांच हो, नंबर हो, तो दूसरे में भी कितने हो, पांच हो। इक्वल क्या हो, कि पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट के इक्वल हो,
ठीक। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, फाइनाइट। फाइनाइट क्या है, जिनको हम गिन सकते हैं, इनफाइनाइट जिनको गिन ना सके, और सिंगल टू सिर्फ एक हो। क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है, सबसेट। क्या आता है, सबसेट। ठीक, सबसेट क्या होता है, नेक्स्ट क्या आता है, टॉपिक क्या है, सबसेट। एक तो हो गया सेट, सब सबसेट क्या हो, चलिए देखते हैं क्या आता है। सब सेट मतलब क्या हुआ कि सेट के अंदर एक दूसरा सेट बन जाए, मान लीजिए क्या हो, एक दूसरा बन जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं, सबसेट। ठीक है, तो सब ये क्या होता है, मतलब नाम से ही लग रहा है क्या हो कि सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट क्या होता है ये बेसिकली, सबसेट किसका, ऑफ अ सेट। ये क्या होता है, अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट, सबसेट कहेंगे। ठीक, सबसेट ऑफ सेट बी, एक दूसरे सेट बी का, कब, ठीक, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ क्या, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट, ठीक, एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्या है, कि सेट है वो क्या हो, इज एन एलिमेंट हो, किसका हो, बी का हो। ठीक, और क्या हो, उसको लिखते कैसे हैं, ठीक, इसे लिखें कैसे, लिखते कैसे इसे हैं, ठीक, कि सेट ए के, ठीक, सारे एलिमेंट किसमें हो, सारे बी में हो, कैसे लिखते हैं, ये सिंबल ऐसे, और फिर ये बी, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, इसे क्या उसे बोलते हैं कि ए क्या है, ठीक, और बी क्या है, सुपर सेट है। ठीक, ए क्या है, सबसेट है किसका, सेट बी का। ठीक, और बी क्या है, अगर ए सबसेट है तो बी क्या है, सुपर सेट है। ठीक, क्या आता है, बी, बी क्या है, यहाँ पे बी इज कॉल्ड क्या कहते हैं, सुपर सेट, सुपर सेट किसका, ऑफ सेट ए का। ठीक, बी क्या है, सुपर सेट है किसका, सेट ए का। ठीक, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिटर्न कैसे करेंगे, इसको बी सुपर सेट है, रिटर्न एज बी ऐसे ए। अच्छा, एक बात यहाँ पे क्या लग रहा है कि ए का सारा कुछ किसमें है, बी में है कि नहीं। चलो ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ए क्या है, सबसेट है किसका, सेट बी का। कैसे लिखेंगे इसको, इस बात को कैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक। और बी अगर सुपर सेट है बी का, तो उसे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे। क्लियर है, तो ये क्या हो गया है, सबसेट। क्लियर है, चलो एग्जांपल देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको, एग्जाम्पल। अगर मान लो, ठीक है, कि ए सेट है, उसमें क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3, ए हो गया, ठीक ठीक एंड डी क्या है, 1 2
फोर फाइव, ठीक। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि ए के सारे एलिमेंट में है कि नहीं, बोलो। ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो उसे कैसे लिखेंगे? ए क्या है? सबसेट है किसका? बी का, ठीक। देन ए सबसेट किसका है? बी का, ठीक। अच्छा एक बात समझो कि यहाँ पे क्या यू बी बराबर है क्या? इक्वल नहीं है। अगर बराबर होते तो यहाँ पे इक्वल टू आता, ये वाला साइन ऐसे हो जाता है, क्लियर। लेकिन यहाँ बराबर नहीं, तो इसको लिखेंगे ए ऐसे लिखेंगे, ठीक। बट इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बट बी के सारे जो एलिमेंट हैं वो ए में नहीं है, ठीक। तो ये नहीं तो इसे कट कर देंगे, क्लियर है? बोलो, ये चीज क्लियर है? क्यों क्लियर बोलो? यहां से कोई दिक्कत? यस सर, समझना है कि कौन किसका एलिमेंट है। तो अगर बी ए के सारे एलिमेंट बी में है तो उससे क्या बोलेंगे? ए सबसेट है बी का। लेकिन यहाँ पे क्या बी बी सबसेट है क्या ए का? नहीं है, बी के सारे एलिमेंट नहीं है, क्लियर है? बोलो, ठीक है। तो ये क्या हो गया है? सबसेट। ये क्या हो गया? सबसेट। नेक्स्ट क्या आता है? जैसे सबसेट है, ठीक, वैसे एक वर्ड क्या आता है? पावर सेट। क्या आता है? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, ठीक, कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। क्या होता है? क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ठीक, ऑफ सेट ए, ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ ए, ठीक। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक। यहां ध्यान रखना कि पावर सेट के कलेक्शन ऑल सबसेट, ठीक, सबसेट तो लिंक किसका हो? ऑल सबसेट का हो, ठीक। और डिनोट कैसे करते हैं पावर सेट को? डिनोटेड बाय पी किसका हो? ए का। पी क्या बताता है? पावर सेट किसका? ए सेट का। जैसे मान लो एग्जांपल देखते हैं, आ जाओ, एग्जांपल ज्यादा क्लियर हो जाएगा पावर सेट क्या होता है, ठीक। मान लो, ठीक, कि मान लो कि ए क्या दिया गया है, मान लो वन टू थ्री ये दिया गया है, ठीक। ये अगर ऐसा है तो पावर सेट क्या हो जाएगा? देन पावर सेट को डिनोट कैसे करेंगे? पी और फिर ए, ठीक। इसके आउटपुट क्या हो जाएंगे? ये कलेक्शन है उन सभी सेट का, ठीक। क्या? अच्छा बता दो, अगर ए सेट में है, ठीक, तो अगर हम पूछे कि ए में क्या क्या है बता दो, ठीक, हम ये कह सकते कि ए में कुछ भी नहीं है? कह सकते हैं? कह सकते? बोलो, हम कह सकते हैं ना कि ए में कुछ भी नहीं? बोलो, नहीं कह सकते कि इसमें कुछ नहीं है? या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इसमें एक सेट है जिसमें क्या है? सिर्फ वन है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसमें क्या है? सिर्फ दूसरा सेट टू है, क्लियर। और इसमें से कितने सेट बना सकते? बोलो, मतलब ये समझ लो कि अगर ए सेट ए है, दिख रहा है, तो इसमें से कौन कौन सबसेट बन सकते हैं? बोलो, सबसेट। सबसेट क्या हो कि इसमें कोई एलिमेंट ना हो, इसमें सिर्फ वन हो, उसके सब में ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता है? हो सकते हैं ना? बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो चीज। अच्छा, इसमें तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, ठीक, कि हमें एक और दो को ले लें, एक ए और दो,
क्लियर, या फिर एक और तीन ले लें, सारे कॉम्बिनेशन जो हो सकते हैं उसके वो सारे हम ले सकते हैं। ठीक, और क्या हो सकता है, कुछ छूटा क्या? हाँ एक और सेट छूटा है क्या, 2,3, और एक सेट और छूट गया है क्या, 1,2,3, ये पूरा सेट हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो बोलो क्लियर है। देखो ए सेट है अगर, ठीक, तो ये बता दो जो मैंने सेट लिखा है, अगर मान लो इसको बी मान लो, तो ये बता दो क्या बी ए का सबसेट है कि नहीं, बोलो। सी ए का सबसेट है कि नहीं, बोलो। इसे कैसे लिख सकते हैं हम कि बी एक सेट है जो बिलोंग किससे करता है, ए सेट से, बोलो। कह सकते हैं, कह सकते हैं, बोलो बोलो, ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो बोलो। चित्रांश, यस सर, अगला सेट क्या हमने माना सी, तो यहाँ कह सकते हैं कि सी हमारा जो है वो किसका सेट है, ए का है। अगर इसको डी मान ले तो ये कह सकते हैं कि डी किसका सबसेट है, एक बार बोलो। जो डी के अंदर क्या लिखा है, डी एक सेट है जिसमें क्या एलिमेंट है, सिर्फ टू है, तो बताओ जो टू जो है वो सेट ए में है कि नहीं, बोलो बोलो है कि नहीं। अगर मान लो यस सर, ऐसे, मान लो कि ये सेट मान लेते हैं एफ, क्या मान लेते हैं एफ, तो हम कह सकते हैं कि जो एफ है वो एक सबसेट है किसका, सेट ए का है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। ठीक, तो जितने भी सभी सेट है कि कोई सेट, ये क्या है, सेट है, तो जिसके इतने जितने सबसेट हो सकते हैं, ठीक, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे इसके क्या हैं, सबसेट हैं। ठीक, ये सभी क्या है, सबसेट हैं, जो बी सी डी ई एफ सभी क्या है, जो ब्रैकेट में लिखे हुए क्या है, सभी एक सबसेट हैं, और उन सबको एक साथ लिख दो, सभी सेटों को जितने सबसेट हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पावर सेट। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो चीज, पावर सेट क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्या आता है, पावर सेट के बाद क्या आता है, यूनिवर्सल सेट। क्या आता है, यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक, यूनिवर्सल सेट समझ लो कि एक ऐसा सेट जिसमें क्या हो, एलिमेंट हो किसके, सभी सेट के जो उसमें दिए गए हों, मतलब क्या हुआ, ठीक, अ सेट विच कंटेन है, विच कंटेन एलिमेंट, क्या करे वो, विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स, क्या ऑल सेट्स इन गिवन कंटेक्स्ट में, मतलब क्या हुआ, चलो देखते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई कैपिटल यू से। ठीक, जैसे मान लो एग्जाम्पल देखते, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। कि अगर मान लो एक सेट दिया गया है क्या, इफ ए ए इक्वल टू क्या दिया गया है, एक सेट है जिसमें क्या है 1,2, ए सेट हो गया, ठीक, और एक दूसरा सेट क्या दिया गया है, बी दिया गया है जिसके अंदर क्या है 1,3 है, ठीक, और सी दिया गया है क्या, सी दिया गया है 1,3,4, ठीक। तो अगर ऐसा है तो यूनियन सेट क्या होगा, ठीक, तो यू क्या हो जाएगा, जितने सेट हैं उन सभी एलिमेंट के हमको ले लेने हैं, लेकिन रिपीट नहीं करना है, जैसे कि 1,2, पहले सेट में क्या 1,2 हो गया है, दूसरे सेट में क्या है 1,3, तो हमने 1 पहले ले लिया, तो क्या बचा, अगला 3 बच गया है। सी सेट को लेंगे तो क्या बचा, 1,3 पहले ले चुका, क्या बचा 4, बोलो। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। यूनिवर्सल सेट क्लियर है कि सभी को ले लेना है, कोई डाउट यहां तक, क्लियर है? हेलो,
चित्रांश, ये नेक्स्ट क्या है? इक्वल सेट क्या आता है? इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होते हैं? ठीक, इक्वल सेट वो होते हैं कि मान लो दो सेट दिए गए हैं ए और बी, तो इक्वल कब कहेंगे? ठीक, कि अगर ए जो है वो सबसेट बी का हो और बी सबसेट ए का हो, तभी होगा क्या? टू सेट्स ए ठीक एंड बी ठीक, और सेट टू बी इक्वल कब कहेंगे? ठीक, इफ अगर ए के सबसेट किसका हो? बी का हो। मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो, ठीक, एंड साथ में और क्या हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, मतलब कुछ मिसिंग ना हो, तब एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल देखते आ जाओ, ठीक, मान लो कि एग्जांपल क्या है कि ए सेट क्या दिया गया है, 1 3 4, ये क्या दिया गया, 1 3 4 दिया गया है, ठीक, और बी सेट क्या दिया गया है, बी सेट दिया गया है 3 1 4 दिया गया है, ठीक, तो ये बता दो, अब बता दो अगर ऐसा है, ठीक, तो हम कह सकते हैं क्या है? कि ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं, बोलो, ए के सारे एलिमेंट बी में है, राइट, एंड और क्या है, ठीक, बोलो है कि नहीं, बोलो, ये चीज, ए के सारे एलिमेंट बी में है तो क्या हो गया, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक, एंड क्या हो जाएगा, बी के सारे एलिमेंट किस में है, ए में है, और जब ये दोनों हो जाएगा साथ साथ तो क्या हो जाएगा, हम कह देंगे कि सेट ए इक्वल टू सेट बी। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर, बोलो, चीज आया कि नहीं आया? इक्वल सेट क्लियर है? यस सर। अच्छा अभी क्या है, ठीक, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या है, ठीक, कि सेट होता क्या है, ठीक, उनके जो एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट होते हैं सेट के, उन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट या फिर मेंबर कहते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, एक्स बिलोंग टू और एक्स नॉट बिलोंग टू ए, ठीक, फिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बताया ना, उसको दो तरीके होते हैं, रजिस्टर या टेबलेट फॉर्म, दूसरे क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट, फिर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट हमने देखे हैं, एम्प्टी सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, और सिंगल टोन सेट है, ठीक है। सबसेट बताया कि सबसेट क्या होता है, कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो तो उसे कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन और बी को क्या कहते हैं, बी को कहते हैं सुपर सेट ऑफ सेट ए का, वो डिनोट ऐसे करते हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, पावर सेट, पावर सेट का कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए का, क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट, उन्हें क्या कहते हैं, पावर सेट, और डिनोट कैसे करते हैं, पी से, क्लियर है? तो एग्जाम में सिंपल आ जाएगी, सेट ए लिखा रहे, कह देंगे सेट करो, पावर सेट निकालो, क्लियर है? फिर क्या है, यूनिट सेट, सेट क्या है कि जिसके सारे एलिमेंट क्या है, जो भी दिए गए हैं उन सबको एक साथ करो, कर ले, उन्हें क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक। इक्वल सेट क्या होते हैं, कि अगर एक सबसेट बी का है और बी सबसेट ए का है, अगर हमने ये कर दिया तो कह सकते हैं कि दोनों इक्वल सेट है कि नहीं, बोलो, क्लियर है? अच्छा अभी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ठीक, क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट देखते हैं, कि सारे सेट क्या है, सारे सेट है, ठीक, वो क्या होते हैं, अपने आप का क्या होते हैं, अपने आप का सबसेट है, क्लियर, सबसेट है, क्लियर, जितने भी सेट हैं वो अपने आप क्या है, खुद की क्या है, सबसेट है, मतलब क्या है कि मान लो कोई एक सेट है, ठीक,
ठीक, उसमें कुछ एलिमेंट है बना दिए गए, कुछ हो गया ठीक। और तो इसके अब इसमें से एक दूसरा सेट मान लो ए, मान लो जिसके सारे एलिमेंट वही हैं, तो बता दे ए के सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं बोलो। तो कह सकते कि नहीं कि सारे सेट जो भी हैं अपने आपके खुद के सबसे ठीक नहीं बोलो, क्लियर। दूसरा क्या है ठीक, कि जो इम्प्टी सेट होता है, क्या इम्प्टी सेट ठीक, वो क्या होता है सबसेट का, जितने भी सेट हैं ठीक का क्या होता है सबसेट होता है, क्लियर। क्या होता है सबसेट, मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि उसमें कुछ ना कुछ खाली है कि नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर ये लिखा है ये चीज, ये क्या एम्प्टी सेट है ठीक, इसका कोई भी ठीक प्रॉपर सबसेट नहीं होता, इसका कोई नहीं होगा, कोई सबसेट नहीं होता है, क्लियर। अच्छा एक चीज और ठीक, कि अगर मान लो क्या अगर ठीक किसी फाइनाइट सेट, क्या हो फाइनाइट सेट में क्या हो एन एलिमेंट है, कितने हैं एन एलिमेंट है ठीक, तो उसके कितने सबसेट होंगे, उसके सबसेट होंगे 2 to power n, कितने होंगे अगर एन एलिमेंट है तो सबसेट कितने हो जाएंगे टोटल उसके 2 to power n, क्लियर है ठीक। और प्रॉपर सबसेट से क्या होगा, और है ना, और प्रॉपर सबसेट की बात किया जाए, प्रॉपर सबसेट क्या होगा इसका। अच्छा बता दो जो सबसेट जो टोटल हमारे से कोई एक कोई हमारा एक सेट है, मान लो ए सेट है ठीक, इसमें कई सारे ऐसे ऐसे करके दिए गए हैं, और मान लो कितने दिए गए हैं ये एन एलिमेंट है, कितने हैं एन एलिमेंट है, तो इसका जो सबसेट बनेगा ठीक कुल कितने बन सकते हैं सबसेट, वो बनेगा 2 to power n ठीक, कितने हो सकते हैं 2 to power n होंगे। लेकिन बता दो इसमें क्या होगा, इसमें जो फाई होता है ये फिर ये जिसको बोलते हैं खाली वाला, ये दिख रहा है ये चीज, ये भी तो आएगा नहीं आएगा। तो अगर बात की जाए प्रॉपर सबसेट ठीक, तो प्रॉपर सबसेट में वो नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 to power n और उसमें से -1 कर देंगे, क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो। तो प्रॉपर सबसेट कितना होगा इसमें 2 to power n -1 होगा, क्लियर बोलो। ये सेट था, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है। तो फिर आप लोग क्या करेगा सेट को देखेगा है ना, और क्वेश्चन ट्राई करेगा लगाने का, नहीं होता है ठीक, तो फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं ठीक है। तो फिर आज क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।